जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वॉज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत वलवले तंतने दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि यह पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।